पहली बात तो मैं इनको हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगी, क्योंकि लताशा ये जो फैब्रिक स्टोर है आज ही खुला है एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मुझे इनवाइट किया यहाँ पे. लड़कियाँ विमेन, मतलब हम लोगों को तो मतलब कपड़े से बहुत प्यार है. सो इनफैक्ट हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए स्टोर्स को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि हमें स्टेज शोज़ के कॉस्ट्यूम्स बनाने पड़ते हैं. घर तो एक बार ही सजता है, पर हमारे कपड़े जो वेडिंग्स में पहनते हैं और स्टेज शोज़ के लिए जो चाहिए होता है वो हम ढूंढते रहते हैं. एंड नाउ वी हैव अनदर डेस्टिनेशन जहाँ पे हम आके शॉपिंग कर सकते हैं. एंड जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं लेना चाहूँगी. अच्छा अमित, आपसे जानना चाहेंगे और आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या खास बात होगी इस शॉप की, और आप खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं तो क्या कहेंगे इस बारे में? द फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो दीज आर वेरी एक्सक्लूसिव, ये कहीं पे आपको दिखेंगे नहीं. एंड मोस्टली आजकल का जो ट्रेंड है इट इज़ मोर टूवर्ड्स यू नो ब्राइडल वेयर टूवर्ड्स वेस्टर्न, एंड सो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन दैट. सो वट एवर यू सी हियर इट इज़ समथिंग यू विल नॉट सी एनीवेयर एल्स. वी आर बेसिकली आई थिंक लीडिंग सेलर्स ऑफ फैशन फैब्रिक्स. यू नो आप यहाँ पे जो देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आज इन्होंने बोला कि कहीं पे नहीं दिखेगा, एंड वी एक्चुअली फॉलो द ट्रेंड दैट इज गोइंग टू कम. तो 2014-2015 गया, बट वी विल एक्चुअली गो टू सी लाइक 2016-2017 जो आने वाला ट्रेंड है. सो वी वांट टू लीड द फैशन फैब्रिक इंडस्ट्री, दैट्स व्हाट वी आर एमिंग एट. मेघना, आपका कोई फेवरेट कलर है, मतलब कुछ अगर सजाना चाहो तो? हम तो हमेशा हर कलर पहनते, सीजन के हिसाब से हम कलर्स चूज करते हैं. जैसे अब समर आया है तो सडनली हम ब्राइट कलर्स पहनना शुरू कर देंगे. सो इट्स आवर कलर लविंग इज अकॉर्डिंग टू आवर सीजन्स. बट डेफिनेटली क्योंकि मैं बहुत सारे स्टेज शोज़ करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो मुझे यू नो जगहों के हिसाब से और स्टेज शोज़ के हिसाब से कपड़े बनवाने पड़ते हैं. तो व्हेन आई एम लुकिंग अराउंड आई मीन आई सी अ लॉट ऑफ नेट्स एंड आई सी अ लॉट ऑफ सीक्वेंस एंड एवरीथिंग, तो वो हमारे काम बहुत आता है. इसके अलावा यहाँ पर फैशन की बात आई है, तो कौन सी फैशन ट्रेंड को फॉलो करते हैं आप? कोई मैं कोई फैशन ट्रेंड को नहीं फॉलो करती, जो मन में आता है वो पहनते हैं, जो कंफर्टेबल रहता है वो सबसे ज़्यादा पहनते हैं. अच्छा, आपके लिए फैशन की डेफिनेशन क्या है? आई थिंक फैशन इज़ ऑल अबाउट कम्फर्ट. फर्स्ट मेन थिंग इज यू कांट बी फैशनेबल अगर आप कम्फर्टेबल नहीं हो. आप टाइट जीन्स पहन के चल सकते हो अगर, पर आप फैशनेबल बिल्कुल नहीं लगोगे अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो. सो बेसिकली फॉर मी फैशन इज़ ऑल अबाउट कंफर्ट, एंड आई थिंक दैट इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन रॉक इवन अ वाइट गंजी एंड अ टी और अ टी शर्ट. इसके अलावा एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर? राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन टू मराठी फिल्म्स, वन इज़ बाबा रिटायर झाले एंड वन इज़ नॉट टाइटल. तो मराठी फिल्म्स का दौर शुरू हो गया है, अभी एक ख़त्म करके आई हूँ 15 अगस्त भागीले 26 जनवरी, जिसमें ओमपुरी जी थे एज माय को आर्टिस्ट. सो मराठी दौर अभी शुरू हुआ है, तो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. इसके अलावा कह सकते हैं कि रीजनल सिनेमा का दौर जो है वापस लौट आया है, क्योंकि जो अभी जो काफ़ी फिल्में हैं जो काफ़ी अच्छा कर रही है, जैसे सैराट की बात करें फॉर एग्जांपल, या फिर किसी भी और प्रियंका चोपड़ा भी काफ़ी प्रोड्यूस कर रही है रीजनल सिनेमा. रीजनल अभी बहुत ही बड़ा हो गया है. जब हम करते थे तभी कोई मतलब इतना ज़्यादा दौर नहीं था, पर आज आप देखो पंजाबी, मराठी, भोजपुरी, गुजराती, इनफैक्ट गुजराती फिल्म्स के ऑफर शुरू हो गए आने. तो रीजनल फिल्म्स एक बड़ा सा दौर, आई मीन इट्स बिकम अ वेरी ह्यूज थिंग. सो इट्स आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू.